नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। अर्वाचीन हॉस्पिटल के सिटी सेंटर का शुभारंभ हुआ। दिनांक 16 अप्रैल मंगलवार को अर्दली बाजार स्थित सद्भावना हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन हुआ, जिसके तहत अर्वाचीन हॉस्पिटल वाराणसी का सिटी सेंटर का उद्घाटन मुख्य अतिथि राहुल सिंह के कर्मलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर अर्वाचीन हॉस्पिटल निदेशक डॉ. पीयूष रंजन सिंह ने बताया कि अर्वाचीन हॉस्पिटल एक एडवांस कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, जिसमें समस्त विशेषज्ञ चिकित्सक 24x7 उपलब्ध हैं तथा मेदांता हॉस्पिटल से क्रिटिकल केयर सुविधाओं के लिए संबद्ध है। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 के लिए मुकेश पांडे, वाराणसी। अमील अख्तर मेरे साथ एक लोग का चला हुआ था, बाकी लोगों से तो कर दीजिए व्यापार व्यापन और कुछ अगर तेल पानी कॉम्प्लीमेंट्री देंगे तो ठीक है। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। आपकी शॉप में लेकर आ रहा है और समस्त प्रकार की सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज इस हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगी। और ये हॉस्पिटल केवल अमीर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इस हॉस्पिटल का सब तरह का एम्प्लॉयमेंट, चाहे आयुष्मान हो, चाहे TPA हो, चाहे CGHS हो, सब कुछ लगभग हो चुका है, ताकि आम व्यक्ति बिना खर्च के कैशलेस फैसिलिटीज़ इस हॉस्पिटल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। और ये हॉस्पिटल हृदय रोगों के लिए या अचानक आए हृदय आघात के लिए एक विशेष प्रोग्राम लेके आया है, जिसमें विभिन्न हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को ECG मशीन दे रहा है। और उस ECG मशीन की खास बात यह है कि वहाँ पर आने वाला ECG मशीन अर्वाचीन हॉस्पिटल के कार्डियक डिपार्टमेंट में लाइव ECG यहाँ पर चलेगा, और अगर उस पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो यहाँ से तुरंत उस सेंटर पर कॉल जाकर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट टीम अवेलेबल होगी और मरीज को राहत के लिए जो इमरजेंसी दवाएँ उनको दे दी जाएगी, जिससे उनकी जान बचाई जा सके और आयुष्मान या अदर किसी इंश्योरेंस के तहत उनको वहाँ ला के फ्री ऑफ कॉस्ट या हृदय से संबंधित जो भी प्रोसेसिंग करना है वो करके उनको एक हेल्दी जीवन दे दिया जाए। इस इनॉग्रेशन का उद्देश्य हमारा अर्वाचीन हॉस्पिटल शहर के किनारे पर बड़ी जगह के अंदर इस तरह के हॉस्पिटल बनाने के लिए इस वजह से खोला गया है, और शहर के लोगों को वहाँ तक केवल OPD के लिए आने में तकलीफ होगी, इसीलिए हमने सद्भावना हॉस्पिटल के साथ मिलकर सिटी सेंटर यहाँ पर खोला है। इस सिटी सेंटर के अंदर हमारे सारे डॉक्टर्स की उपलब्ध फिजिकल शेप में भी और डिजिटल शेप में भी 24/7 उपलब्ध रहेगी, ताकि सामान्य OPD परामर्श के लिए लोग यहीं पर आ सकें और इमरजेंसीज के लिए यहीं से हम पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। जी डॉक्टर साहब, हमारे हॉस्पिटल और बाकी हॉस्पिटल में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कि सभी हॉस्पिटल्स के पास अधिकांश चिकित्सक जितने भी हैं सुपर स्पेशलिस्ट वो गेस्ट के रूप में और RMOs ही केवल इमरजेंसीज को हैंडल करते हैं, उनको आने में काफ़ी टाइम लगता है जो कि रोगियों के लिए घातक हो सकता है। हमारे अस्पताल में 24 घंटे हर प्रकार के स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की 24/7 उपलब्धता रहेगी, ताकि किसी भी इमरजेंसी को कवर किया जा सके और उस लग्जरियस एनवायरनमेंट के अंदर आम व्यक्ति को भी वो सर्विस मिल सके। ये अन्य अस्पतालों से भिन्नता है, अन्य अस्पताल छोटे से बड़े अस्पताल के रूप में बने हैं, ये एक अस्पताल ऐसा है जो पहले दिन से उस तरीके से बनाया गया जो एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो, और इस हॉस्पिटल को संबंध जो है मेदांता दिल्ली से कराया गया है, ताकि क्रिटिकल केयर और कार्डियक केयर की सर्विसेज को और बेहतर बनाया जा सके। जी डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्राथमिकताएं हैं कि गरीबों के लिए ध्यान देना, अच्छी बात। सर वर्तमान में PM प्रधानमंत्री जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, सर क्या कहना चाहते हैं आप इस पोल पे? देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसा करने की प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए जो प्रधानमंत्री योजना में आयुष्मान चलाया गया ताकि लोगों को ये दवाएं खरीदना या इलाज महंगा होने से निजात मिल सके, और इतना लग्जरियस हॉस्पिटल होने के बाद भी हमने सबसे पहले आयुष्मान लिया है और हमारे हॉस्पिटल में जेनरिक दवाओं का काउंटर भी, ताकि आम व्यक्ति जेनरिक दवाओं को लो कॉस्ट के ऊपर भी खरीद कर अपना इलाज करा सकें।